देखिए आज Realme की तरफ से जो अपडेट है वो रोल आउट हो चुका है Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का एक डिवाइस के अंदर। साथ साथ बहुत से यूजर को Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिला है, जो आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ Realme गेम स्पेस के अंदर अपडेट रिलेटेड एक बहुत अच्छा न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए आज के वीडियो में। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रख सकते हो, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं टुडे अपडेट न्यूज़ को। देखिए आज Realme की तरफ से Realme 8 Pro के अंदर Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट जो है वो रोल आउट हुआ है। कैसे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्या है अपडेट, क्या कुछ फीचर्स है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कैसे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब ये जो अपडेट है आपको पहले बता दूँ, ये बीटा प्रोग्राम है, मतलब बीटा अपडेट आपको देखने को मिलता है Realme 8 Pro के अंदर। इसी मंथ इस डिवाइस के अंदर Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का ये अलग से अपडेट देखने को मिला था, और इसी मंथ इस डिवाइस के अंदर बीटा अपडेट भी रोल आउट हो गया। तो कैसे आपको ये बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, मैंने दोपहर को इसके ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अप्लाई कर लीजिए बहुत ही जल्दी, क्योंकि बीटा अपडेट का जो सीट होता है वो लिमिटेड होता है, और कैसे आपको अपडेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए मैंने बहुत पहले बहुत बड़ा वीडियो बनाया, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करें, तो अगर आपके डिवाइस Realme 8 Pro के अंदर 3.25 या फिर 3.26 इन दोनों में से एक भी Android 12 का OTA वर्जन अपडेट है, अगर है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो बीटा प्रोग्राम के लिए, और आपको जो है बीटा अपडेट कुछ ही घंटों के अंदर आपके डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है। बहुत से यूज़र ने अप्लाई कर दिया है, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ने भी अप्लाई कर दिया है, मैंने देखा है, एक पोल डाला था मैंने, वहाँ पे बहुत लोगों ने कहा है कि बहुत से लोगों ने अभी तक जो है अप्लाई कर दिया है, और बहुत लोगों को जो है Realme 8 Pro के अंदर Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट भी मिल गया। भाई जब आपको मिला है नहीं नीचे जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों जो बीटा वर्जन अपडेट आपको देखने को मिलेगा इसके वर्जन के बारे में बात करें तो F.02 का वर्जन देखने को मिलेगा, और इसमें आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाएगा Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का। यहाँ पे आपको फीचर्स में कोई भी कटछट दिखाई नहीं देगा Realme 8 Pro के अंदर, ठीक है। तो सभी फीचर्स Realme 8 Pro के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों Realme 9 4G के लिए Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो स्टेबल अपडेट है वो अब रोल आउट कर दिया गया है, और ये जो अपडेट है आपको देखने को मिलेगा 3.010 वर्जन Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट। पहले जो अपडेट मैंने बताया था आपको, कल जो अपडेट है वो रोल आउट हुआ है, अभी जो अपडेट को जो है बीटा यूज़र के लिए अवेलेबल कर दिया गया। अगर आपके पास Realme 9 4G के अंदर Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट है तो आपको Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का 3.10 वर्जन जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा अपने डिवाइस Realme 9 4G के अंदर। आपको मिला या नहीं नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। तो भाइयों गेम स्पेस को ओपन करते हैं यहाँ पे, और गेम स्पेस ओपन करने के बाद आपको जो है अपडेट जो है वो सामने देख जाएगा। यहाँ पे आपको जो अपडेट देखने को मिलता है, आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा वर्जन होगा 5.0.0 वर्जन देखने को मिलेगा, साइज कुछ 67.1 MB का आपको देखने को मिलेगा। अपडेट के अंदर क्या कुछ चेंजेस है गेम स्पेस के अंदर अगर बात करें तो, न्यू UI डिज़ाइन फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस, न्यू यूजर फीडबैक फंक्शन, यू कैन मेक योर सजेशन वाया कस्टमर सर्विस ईमेल इन दिस सेटिंग मेनू, फिक्स सम बग्स एंड इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अपडेट गेम स्पेस के अंदर। सो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो जहाँ पर मैंने बात करी Realme UI 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बारे में, साथ साथ गेम स्पेस के जो अपडेट आए उसके बारे में। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा।